नमस्कार, मैं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। कोरोना संकट में लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक। यूपी, पंजाब और दिल्ली समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने की लॉकडाउन बढ़ाने की मांग। यह दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के बाद मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्रियों से बात ऐसे समय पर की जब माना जा रहा है कि सरकार देश भर में लागू लॉकडाउन को कुछ संभावित छूट के साथ बढ़ा सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विभिन्न पहलुओं पर राज्य सरकारों से विचार मांगे हैं, जिसमें यह जानकारी भी शामिल है कि क्या अधिक लोगों और सेवाओं को छूट दी जानी चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दिल्ली के सीएम केजरीवाल और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया है। मुख्यमंत्रियों संग बैठक में गमछे का मास्क पहने दिखे पीएम मोदी, कहा हफ्ते के सातों दिन 24 घंटे उपलब्ध। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गमछे का मास्क पहने नजर आए। इसके जरिए उन्होंने एक बार फिर लोगों को यह संदेश देने की कोशिश की है कि कोरोना के संक्रमण से बचना है तो अपनी नाक और मुंह को ढकना होगा। इसके लिए जरूरी नहीं है कि महंगे मास्क ही पहने जाएं। पीएम मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा कि आप कभी भी सुझाव दे सकते हैं, मैं हफ्ते के सातों दिन 24 घंटे उपलब्ध हूँ। मेरठ के लिए राहत की खबर, मेडिकल में भर्ती 9 मरीजों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। सबसे पहले कोरोना प्रभावित इकरामुद्दीन की रिपोर्ट भी नेगेटिव। कोरोना के कोहराम के बीच जहां लोगों में भय व्याप्त है, वहीं मेरठ से एक अच्छी खबर आ रही है। कोरोना के अब तक मौजूदा केसों में क्वारंटाइन किए गए कुछ मरीजों की मियाद पूरी हो गई है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग राहत की सांस लेते हुए उनको चिकित्सकीय देखरेख में घर भेजने की तैयारी कर रहा है। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य आरसी गुप्ता ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में भर्ती 9 मरीजों की रिपोर्ट 2 या उससे अधिक बार नेगेटिव आई है, उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है। मेरठ में कोरोना के सबसे पहला मरीज इकरामुद्दीन, जिनसे 17 लोगों को संक्रमण हुआ था, उनकी और उनके साथी की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। साथ ही एक लड़की जो फिलीपींस से आई थी, उसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव है। स्वास्थ्य अधिकारियों और प्रशासनिक टीम की उन पर नजर रहेंगी ताकि कोरोना वायरस का प्रभाव उन पर दोबारा ना हो। अमेरिका में कोरोना ने ली 11 भारतीयों की जान, 16 और भारतीयों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। अमेरिका में कोरोना वायरस संक्रमण से अब तक 11 भारतीयों की जान जा चुकी है। इसके अलावा 16 अन्य की टेस्ट रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं। जितने भी भारतीयों की मौत हुई है वे सब पुरुष हैं। मृतकों में 4 टैक्सी ड्राइवर थे। जिन 16 भारतीयों की रिपोर्ट पॉजिटिव है उनमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। ये सभी उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के हैं। यह सभी भारतीय दूतावास के संपर्क में बने हुए हैं। पाकिस्तान को भारी पड़ गई हरकत, भारतीय सेना की कार्रवाई में 6 सैनिक ढेर, 10 घायल, तो बर्बाद लॉन्चिंग पैड तबाह। पाकिस्तानी सेना की ओर से की गई हरकत का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक केरन सेक्टर में सेना की कार्रवाई में कम से कम 6 पाक सैनिक मारे गए और 10 घायल हुए हैं। पाकिस्तान की तोप को भी नुकसान पहुंचा है, जिस पर भारतीय सेना की ओर से सटीक निशाना लगाया गया था। इसके साथ ही पाकिस्तान की सेना का हथियार डिपो और पोस्ट पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। आवेदन, निवेदन, फिर दे दनादन, वीरेंद्र सहवाग ने गिनाए अपने 3 खास उसूल। सोशल मीडिया पर अपने ह्यूमर की वजह से चर्चा में रहने वाले विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दरअसल वह अपने 3 खास उसूल के बारे में बात करते हुए दिख रहे हैं। सहवाग कहते हैं, मेरे 3 उसूल हैं, पहला आवेदन, दूसरा निवेदन और फिर दे दनादन। इस दौरान मुल्तान के सुल्तान कहे जाने वाले वीरू एक्टिंग भी करते दिखाई दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, गलत वीरू भाई, आपका तो एक ही उसूल है और वह है दे दनादन। वर्चुअल कॉन्सर्ट, संगीत सेतु में सजी गायकों की महफिल, अक्षय कर रहे होस्ट, पीएम मोदी ने बताया शानदार। इंडियन सिंगर्स राइट एसोसिएशन यानी ISRA ने 3 दिन के कॉन्सर्ट संगीत सेतु की घोषणा की है, जिसे अक्षय कुमार होस्ट कर रहे हैं। दरअसल संगीत सेतु कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में फंड इकट्ठा करने और लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की एक कोशिश है। शुक्रवार को इस वर्चुअल कॉन्सर्ट संगीत सेतु का पहला दिन था। संगीत सेतु के इस वीडियो को पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। संगीत सेतु 10 से 12 अप्रैल तक चलेगा। इस वर्चुअल कार्यक्रम में 18 सिंगर्स जुड़ने वाले हैं। द इंडियन सिंगर्स राइट्स एसोसिएशन के इस पहल से जो भी दान इकट्ठा होगा उसे पीएम केयर्स फंड में दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज लाइव।